हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एवरग्रीन इंडीड। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपनी दमदार परफॉर्मेंस की वजह से सबके दिलों पर राज करने वाले 4 फिल्म फेयर अवार्ड और एक नेशनल फिल्म अवार्ड विनर आयुष्मान खुराना की 10 बेस्ट मूवीज़ के बारे में, और साथ ही आयुष्मान खुराना के फैंस के लिए मैं वीडियो के एंड में एक बहुत ही मज़ेदार बोनस पॉइंट बताने वाला हूँ। तो उस बोनस पॉइंट को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज के हमारे लिस्ट में नंबर 10 पे है मूवी शुभ मंगल ज्यादा सावधान। शुभ मंगल ज्यादा सावधान दो गेस्ट की लाइफ स्टाइल पे बेस एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। आईएमडीबी की तरफ से इस मूवी को 5.9 स्टार की रेटिंग मिली है और 86% गूगल यूजर्स ने इसको लाइक किया है। आयुष्मान खुराना और जितेंद्र कुमार के लीड रोल में बनाई गई ये मूवी 21 फरवरी 2020 को रिलीज हुई थी। 25 करोड़ के बजट में बनाई गई इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 86.39 करोड़ का बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन किया था। और 9 नंबर पे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी बीमारी पे बेस्ड मूवी है शुभ मंगल सावधान। शुभ मंगल सावधान एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसको आईएमडीबी की तरफ से 6.9 स्टार की रेटिंग मिली है और 88% गूगल यूजर्स ने इसको लाइक किया है। आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर के लीड रोल में बनाई गई ये मूवी 1 सितंबर 2017 को रिलीज हुई थी। 25 करोड़ के बजट में बनाई गई इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल 64.54 करोड़ की बहुत ही जबरदस्त कमाई की थी। इस मूवी को इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड और जी सिने अवार्ड मिला था फॉर द बेस्ट डायलॉग, और साथ ही बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस जैसे 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट हुआ था। आज के हमारे लिस्ट में नंबर 8 पे है मूवी ड्रीम गर्ल। इस मूवी में बेसिकली ये दिखाया गया है कि एक लड़की की सिर्फ आवाज़ सुनकर उससे आकर्षित होकर लोग कितने पागल हो सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। आईएमडीबी की तरफ से इसको 7.1 स्टार की रेटिंग मिली थी और 96% गूगल यूजर्स ने इसको लाइक किया है। आयुष्मान खुराना और नुसरत भरूचा के लीड रोल में बनाई गई ये मूवी 13 सितंबर 2019 को रिलीज हुई थी। 33 करोड़ के बजट में बनाई गई इस मूवी ने 200.8 करोड़ की बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन किया था। और आज के हमारे लिस्ट में जो नंबर 7 पे है उस मूवी का नाम है बाला। बाला गंजेपन जैसी समस्या पे आधारित एक ड्रामा सेटायर मूवी है जिसको आईएमडीबी की तरफ से 7.4 स्टार की रेटिंग मिली है और 90% गूगल यूजर्स ने इसको लाइक किया है। आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर और यामी गौतम के लीड रोल में बनाई गई इस मूवी को 7 नवंबर 2019 में रिलीज किया गया था। सिर्फ 25 करोड़ के बजट में बनाई गई इस मूवी ने टोटल वर्ल्ड वाइड 171 करोड़ का बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। आज की हमारे लिस्ट में नंबर 6 पे है मूवी दम लगा के ऐसा। दम लगा के ऐसा मूवी एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। आईएमडीबी की तरफ से इस मूवी को 7.5 स्टार की रेटिंग मिली है और 90% गूगल यूजर्स ने इसको लाइक किया है। दम लगा के ऐसा मूवी में बेसिकली मोटी पत्नी होना और मोटी पत्नी होने की वजह से पति पत्नी के बीच के संबंध में और साथ ही और रिलेटिव्स के बीच के संबंध में क्या क्या असर पड़ता है, इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर के लीड रोल में बनाई गई ये मूवी 27 फरवरी 2015 को रिलीज हुई थी। साथ ही इस मूवी को इंटरनेशनली माई बिग फैट ब्राइड नाम से भी रिलीज किया गया था। 14 करोड़ के बजट में बनाई गई इस मूवी ने 71.85 करोड़ का बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन किया था। इस मूवी को 5 फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था और साथ ही इसने 2 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीती थी, और इस मूवी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी। आज की हमारी लिस्ट में नंबर 5 पे है मूवी बरेली की बर्फी। बरेली की बर्फी एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। आईएमडीबी की तरफ से इसको 7.5 स्टार की रेटिंग मिली है और 94% गूगल यूजर्स ने इसको लाइक किया है। एक राइटर का बरेली की बर्फी नाम का किताब लिखना और उसकी कहानी से एक रियल लाइफ लड़की का मेल खा जाना और उसी लड़की से फिर 2 लड़कों का प्यार हो जाना और फाइनली एक बहुत ही रोमांटिक और सस्पेंस भरा एंडिंग दिखाना इस मूवी की खासियत है। आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव और कीर्ति सेनन के लीड रोल में बनाई गई ये मूवी 18 अगस्त 2017 को रिलीज हुई थी। 20 करोड़ के बजट में बनाई गई इस मूवी ने 60 करोड़ का बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन किया था। इस मूवी को बेस्ट फिल्म जैसे 6 कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, और साथ ही अश्विनी अय्यर तिवारी को फॉर द बेस्ट डायरेक्टर और राजकुमार राव को फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। आज के हमारे लिस्ट में नंबर 4 पे है मूवी बिकी डोनर। बिकी डोनर एक इनफर्टिलिटी जैसी बीमारी और एक स्पर्म डोनर की जिंदगी की कहानी पे बेस्ड रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसको आईएमडीबी की तरफ से 7.8 स्टार की रेटिंग मिली है और 93% गूगल यूजर्स ने इसको लाइक किया है। आयुष्मान खुराना और यामी गौतम के लीड रोल में बनाई गई इस मूवी को 13 अप्रैल 2012 को रिलीज किया गया था। 15 करोड़ के बजट में बनाई गई इस मूवी ने 66.32 करोड़ का बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन किया था। इस मूवी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था फॉर द बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट,
और साथ ही बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म जैसे 3 फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ था और 4 फिल्म फेयर अवार्ड इसने जीता था, जिसमें से 2 फिल्म फेयर अवार्ड सिर्फ आयुष्मान खुराना को मिले थे। पहली अवार्ड मिली थी उनको फॉर द बेस्ट मेल डेब्यू एक्टर और दूसरी अवार्ड मिली थी पानी द रंग सॉन्ग के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए। आज की हमारी लिस्ट में नंबर 3 पे जो मूवी है उसका नाम है बधाई हो। बधाई हो एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। आईएमडीबी की तरफ से इस मूवी को 80 स्टार की रेटिंग मिली है और 91% गूगल यूजर्स ने इसको लाइक किया है। इस मूवी में बुढ़ापे में बच्चा पैदा होने की वजह से अपने ही फैमिली मेंबर्स का क्या रिएक्शन होता है और सोसाइटी के लोगों से क्या क्या ताने सहने पड़ते हैं, इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है और साथ ही इस मूवी के जरिए बहुत ही अच्छा सोशल मैसेज भी देने की कोशिश की गई है। आयुष्मान खुराना, नीना गुप्ता, गजराज राव, सुरेखा सिकरी, सानिया मल्होत्रा जैसे मल्टी स्टार कास्ट के लीड रोल में बनाई गई इस मूवी को 18 अक्टूबर 2018 में रिलीज किया गया था। सिर्फ 29 करोड़ के बजट में बनाई गई इस मूवी ने 221.44 करोड़ का बहुत ही ज़बरदस्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और साथ ही 2018 की 9th हाईएस्ट ग्रोसिंग बॉलीवुड फिल्म भी साबित हुई थी। इस मूवी को बेस्ट एक्ट्रेस की ट्रिक्स, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट डायलॉग जैसे 4 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे और साथ ही बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर जैसे 6 फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुआ था। इस मूवी ने 2 नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीते थे। एक अवार्ड मिला था इसको फॉर बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट और दूसरा बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए मिला था। आज की हमारे लिस्ट में नंबर 2 पे जो मूवी है उस मूवी का नाम है आर्टिकल 15। जातीय छुआछूत और भेदभाव के ऊपर बेस्ड आर्टिकल 15 एक क्राइम ड्रामा मूवी है। आईएमडीबी की तरफ से इस मूवी को 8.2 स्टार की रेटिंग मिली है और 93% गूगल यूजर्स ने इसको लाइक किया है। आयुष्मान खुराना और ईशा तलवर के लीड रोल में बनाई गई इस मूवी को जून 28, 2019 में रिलीज किया गया था। 29 करोड़ के बजट में बनाई गई इस मूवी ने 93.08 करोड़ का बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन किया था। इस मूवी को क्रिटिक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर और बेस्ट स्टोरी के लिए 3 फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और साथ ही बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट डायलॉग जैसे 8 फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुआ था। और फाइनली आज की हमारे लिस्ट में जो नंबर 1 पे है उस मूवी का नाम है अंधाधुन। अंधाधुन बेसिकली एक ब्लाइंड पियानो प्लेयर की जिंदगी की कहानी है जिसमें वह एक मशहूर फिल्म एक्टर की मर्डर केस में बहुत ही बुरी तरीके से उलझ जाता है। ये एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी है। आईएमडीबी की तरफ से इसको 8.3 स्टार की रेटिंग मिली है और 97% गूगल यूजर्स ने इसको लाइक किया है। आयुष्मान खुराना, तब्बू और राधिका आप्टे के लीड रोल में बनाई गई इस मूवी को 5 अक्टूबर 2018 को रिलीज किया गया था। सिर्फ 32 करोड़ के बजट में बनाई गई इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड टोटल 456 करोड़ का बहुत ही ज़बरदस्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। इस मूवी को बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स, बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स जैसे 5 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे और साथ ही बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर जैसे 6 फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुआ था। तो गाइज ये थी 10 बेस्ट मूवीज ऑफ आयुष्मान खुराना और अब बारी है बोनस पॉइंट की। तो बोनस पॉइंट ये है कि आयुष्मान खुराना के फैंस के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि आयुष्मान खुराना की एक मूवी बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है जिस मूवी का नाम है गुलाबो सिताबो। आयुष्मान खुराना और बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन के रेड लोन में बनाई गई इस मूवी की ट्रेलर अमेजोन प्राइम वीडियो इंडिया यूट्यूब चैनल पे 22 मई को रिलीज कर दी गई थी और इस लॉकडाउन की वजह से थिएटर तो बंद है, इसीलिए इस मूवी को अमेजोन प्राइम पे 12 जून को ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा। तो गाइज मूवी देखना मत भूलिएगा और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। थैंक यू।